हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज अपन देखेंगे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर प्याज में कब प्रयोग करें या कौन सी अवस्था में इसका प्रयोग करें, कितने दिन बाद स्प्रे कर सकते हैं, क्यों करें और किस किस के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं और प्याज में इसका महत्व। किसान भाइयों, अपने इसका केमिकल फार्मूला, रिकमेंड डोज, क्रॉप स्प्रे, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर के फायदे और प्रति एकड़ स्प्रे कंपनी और सावधानियां। किसान भाइयों, प्याज और अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो किसान भाइयों, इसमें अपन सिरिजेंटा का प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर यूज करेंगे, तो इसके फायदे देखेंगे, इसको कौन से अवस्था में यूज करेंगे, उसमें कौन कौन से टेक्निकल पाए जाते हैं और किस अवस्था में इसका प्रयोग करेंगे। किसान भाई, किसी फसल का उत्पादन उसकी स्प्रे की मात्रा और सही डोज के ऊपर निर्भर करता है। किसान भाइयों, स्वाभाविक रूप से व्यक्त अमीनो एसिड और पोषक तत्व पर आधारित बायोस्टिमेट जड़ वृद्धि और मजबूत कली विकास को बढ़ावा देकर अधिक खिलने, परागण और फलों को सेट करने, प्रेरित करने, फसल की मात्रा गुणवत्ता में सुधार करता है। तो किसान भाइयों, जिसमें प्याज का जो महत्व है इसमें प्लांट ग्रोथ का, जड़ वृद्धि मजबूत करता है। और अपन देखते हैं कि प्याज की जड़ में कोई समस्या आती तो जड़ गलन और प्याज सूखने लगता है, तो इससे ये समस्या समाप्त हो जाएगी। और प्याज जो होता है जड़ के माध्यम से ही संपूर्ण पोषक तत्व जमीन से उठाता है। तो यदि प्याज की जड़ ही स्वस्थ रहेगी तो अपन देखते हैं कि अपना प्याज जो किसका कंद का साइज और प्याज में ग्रोथ रहेगी। किसान भाइयों, अपने को इसका जो प्रयोग करना है 20 से 45 दिन के बाद करना है, जिसे बीज अपने पौधे की रोपाई की उसके 20 दिन बाद, क्योंकि 20 दिन बाद अच्छी जड़ ग्रोथ करने लगती है और जल्दी से अपना पौधा ग्रोथ करता है। तो 20 से 45 दिन में इसका प्रयोग करें। अपन देखेंगे किसान भाई, इसको जो प्रयोग करना है खेत में नमी होना अतिवश्यक है, तो अपन ध्यान रखें खेत में नमी अतिवश्यक हो। इसमें जो पोषक तत्व आर्गेनिक कार्बन 15 से 20%, अमीनो एसिड 2%, आर्गेनिक नाइट्रोजन 0.7%, फास्फोरस 0.5, पोटास 6.5 और कैल्शियम 1%। तो अमीनो एसिड जो बहुत ही ज़रूरत है पौधे को, ज़रूरत रहती है उस समय, और नाइट्रोजन क्योंकि उस समय वेजिटिव ग्रोथ रहती है यानी कि स्टार्टिंग ग्रोथ, तो उसमें नाइट्रोजन की अतिवश्यकता रहती है, और फास्फोरस जो तने को मजबूत करता है, और पोटेशियम जो कंद का साइज बढ़ाने में अतिवश्यक है, और कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम जो होता है ज़मीन में जो भी पोषक तत्व होता है उनको उठाने का काम करता है। तो किसान भाई, इसको अपन मिक्स करेंगे कीटनाशक के साथ, इसको मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसान भाई, किसी फसल का उत्पादन उसकी खाद की मात्रा और सही डोज के ऊपर निर्भर करती है। अपन देखेंगे इसमें एक एकड़ के लिए इसका डोज 400 ml प्रति एकड़ इसका स्प्रे करें, 400 ml और 150 L पानी, 150 L पानी में इसका स्प्रे करें, और 15 L पानी में आप इसको 40 ml ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप इसका छिड़काव करते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसका मैंने पिछली बार यूज किया है और इस बार भी प्याज में इसको डाला है, तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। किसान भाइयों, इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी समय रहते जानकारी
मिल सके। और इस प्रकार की खेती बाड़ी और नए नए अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि जानकारी यूजफुल लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।